स्टार्ट। मैं मोहम्मद शमीम खबरचालीसा.com से आज हमारे बीच में मोतीलाल नेहरू वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेन टंडन जी हमारे साथ में हैं। आइए इनसे हम चर्चा करते हैं कि किस मुद्दे को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे। मुद्दे तो यहाँ पर ढेर सारे मुद्दे हैं, यहाँ पर समस्याओं का तो ढेर लगा पड़ा। पहले पार्टी जो थी बीजेपी पार्टी थी, 5 साल में एक बार बीजेपी पार्टी किसी भी क्षेत्र में आ गई। देखिए जैसे भी मैं बंदे पार्ट क्षेत्र में खड़ा हूँ, यहाँ पर सड़क नाली सफाई सभी अवस्था फैली हुई है, तो कोई सीमा नहीं। इसी पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर साफ करने जाऊँगा, काम जरूर करूँगा। गार्डन भी जो बुद्धा देवी वार्ड में एक भी गार्डन ऐसा नहीं है जिसको हम बोले कि नहीं, ये गार्डन वार्ड में डेवलप है। गार्डन यहाँ पर एक भी डेवलप नहीं किया। रायपुर महानगर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर देखा जा रहा है, और आप अपने वार्ड में क्या स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकास लेके जाना चाहते हैं? बिल्कुल और ये भूपेश बघेल जी ने मेरे साथ किया है, मुझे विश्वास किया और मेरे कांग्रेस के गवर्नमेंट विधायक भी हमारे हैं, कांग्रेस के वहाँ पर भी हमारा बने मुझे पार्टी में भी किया हुआ तो मुझे साथ मिले।